Search Tayo the Little Bus on YouTube. ओ प्लीज जीनी। अपना काम पूरा करने के बाद जीनी चूचू शहर में लौट आई है। हेलो बनी। हेलो। सुनो जीनी, तुम जानती हो मैंने एक नई शानदार जगह देखी है। अच्छा, क्या सच में? मैं आज झील के पास से गुजर रहा था और वहाँ दोनों तरफ फूलों वाले पेड़ों की कतारें थी। सभी के सभी फूल खिले हुए थे, इसलिए लग रहा था जैसे वो फूलों की सुरंग हो। मुझे भी वो जगह देखनी है। तुम्हें जल्दी जाना चाहिए इससे पहले कि रात हो जाए। मैं जरूर जाऊंगी। बताने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। आज जीनी की छुट्टी है और वो फूलों को देखने जा रही है। बस मैं जल्दी से पहुंच जा। जीनी। हेलो जीनी। हाय। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तुम सब कहाँ जा रहे हो? चूचू शहर जा रहे हैं हम। चूचू शहर? हाँ, मैंने सबको बताया कि तुम्हारा शहर कितना अच्छा है, इसलिए सब उसे देखना चाहते हैं। सुनो जीनी, क्या तुम्हें कुछ काम है? नहीं, आज मेरी छुट्टी है। वाह, सच में? तो क्या तुम हम सबको चूचू शहर घुमा सकती हो? वाह, प्लीज हमें भी वहाँ घुमा लाओ ना। अभी? हाँ, अभी। ओ प्लीज जीनी। लेकिन मुझे तुम क्या कर रही हो? उन्हें मना कर दो, तुम्हें फूल देखने जाना है। ऐसा मत करो, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी मदद चाहिए। मना मत करो, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें चूचू टाउन अच्छे से दिखाऊंगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जीनी। जीनी ने छोटी बसों को सैर करवाई और उन्हें पूरा शहर दिखाया। ये कितनी अच्छी जगह है। ये जरूर डीजल का घर होगा। ये तो बहुत बढ़िया है। वाह, ये तो कमाल का है। तुम्हारे साथ घूमकर बहुत मजा आया जीनी। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ध्यान से घर जाना। ठीक है, तुमसे जल्दी मिलते हैं। बाय। अब मैं फूल देखने जा सकती हूँ। शुक्र है कि अभी भी रोशनी है। जीनी, कैसे हो तुम? तुम सब एक साथ? बिल्कुल, हमें भी रास्ते में टायो मिला था। उसने कहा कि तुमने उसे शहर की सैर कराई, इसलिए हमने सोचा कि तुम हमें भी शहर घुमा के लाओगी। इस समय? वैसे हम भी छोटी बसों के साथ आना चाहते थे, लेकिन काम की वजह से देर हो गई। वो ओ प्लीज जीनी। जरूर पूरा शहर दिखाऊंगी। वाह, शुक्रिया जीनी। जब तक जीनी ने उन सबको सैर करवाई, सूरज डूबने लगा था। चूचू टाउन कमाल का है। सही कहा। शुक्रिया जीनी। बाय 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 दोस्तों। अंधेरा होने लगा है, लगता है मैं फूल नहीं देख पाऊंगी। अरे नहीं जीनी। हेलो। हाँ हेलो। आज टीवी पर गार्डियन एक्स आएगा। हाँ याद आया, आज आएगा। हाँ मजा आएगा, आज गार्डियन एक्स की उस बदमाश के साथ आखिरी लड़ाई होगी। मजा आएगा, जल्दी चलो टिटिपो। हाँ साथ में देखेंगे, हम हैं ना हारने वाले गार्डियन एक्स। ओ जी कहिए। अचानक कुछ काम आ गया है, इसीलिए तुम्हें अभी जाना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल अभी? हाँ, मुझे तुम्हारी तुरंत जरूरत है। मैं अभी आया। क्या तुम्हें फिर से काम पर जाना है? हाँ, मेरा बहुत मन था देखने का, लेकिन मैं क्या करूँ? उसे कितने दिनों से इस शो का इंतजार था। उसकी जगह लेने का सोचना भी मत, पहले ही तुम शहर दिखाने के चक्कर में फूल नहीं देख पाई। हाँ लेकिन टिटिपो अपना मन पसंद हीरो गार्डियन एक्स को नहीं देख पाएगा। लेकिन गार्डियन एक्स तो तुम्हें भी बहुत पसंद है। लेकिन टिटिपो कितना उदास लग रहा है, तुम जाओगी वो खुश हो जाएगा। नहीं ऐसा मत कर, रुक जाओ टिटिपो, रुक जाओ। क्या? तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी, तुम गार्डियन एक्स देखो। क्या? सच में? हाँ मैं बाद में देख लूंगी, तुम कब से इंतजार कर रहे थे। ओ शुक्रिया जीनी। कोई बात नहीं, तुम शो का मजा लो, बाद में मिलती हूँ। ठीक है, बाद में मिलते हैं जीनी। फिर से शुक्रिया।
आखिरी स्टेशन आ गया। सभी को बाय बाय। बाय। आज मेरा दिन नहीं था, ना फूल देखे और ना ही शो। अगली सुबह शुरू हो चुकी है और जीनी अपने काम पर जा रही है। कैसी हो जीनी? हेलो बर्नी। तुम वो सुंदर फूल देखकर आई? अभी नहीं, समय नहीं मिल पाया। अरे नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। अनुमान है कि आज रात बरसात होगी और अगर बरसात हुई तो सारे फूल गिर जाएंगे। सच में गिर जाएंगे? मुझे जल्दी जाना चाहिए। शुक्रिया बर्नी। अरे कोई बात नहीं। अच्छा मैं अब इस तरफ जा रहा हूँ, फूल देखने जरूर जाना जीनी। आज मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पाल माल मची, भारी सामान के साथ इतनी तेज नहीं जाना चाहिए। सबको बाय बाय। तो अब मैं चलती हूँ। एक्सीडेंट! उम्मीद है इससे ज्यादा चोट नहीं आई होगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं निकल भी नहीं पाऊंगी। टिटीपो टिटीपो। बताओ आज कहाँ घूमने चले हम? चलो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं सब। इसमें तो बड़ा मजा आएगा। सुनो दोस्तों, जरा वहाँ पर देखो। ब्रेकिंग न्यूज, एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट गई है, लेकिन अब उस मालगाड़ी को खींचकर ठीक होने के लिए ले जाया गया है, लेकिन पटरी पर चट्टानें बिखर गई हैं, जिससे रेलगाड़ियों का आना जाना रुक गया है। अरे वो देखो जीनी, दुर्घटना की वजह से वो भी फंस गई है। आओ दोस्तों चले, देखते हैं शायद हम में से कोई उसकी मदद कर पाए। ठीक है। मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? जीनी, मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? पटरियों पर चट्टाने हैं, मैं नहीं चल सकती, माफी चाहती हूँ। जीनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें न्यूज में देखा, इसलिए फटाफट यहाँ चले आए। तुम्हारी मदद करने के लिए। ओ, शुक्रिया। मदद कैसे करोगे? हाँ मुझे पता है, मेरे यात्रियों को क्या तुम अगले स्टेशन तक पहुँचा दोगे? अगले स्टेशन तक? हाँ, अगर तुम उन्हें वहाँ उतार दोगे तो दूसरी रेलगाड़ी उन्हें वहाँ से आगे ले जाएगी। हाँ, हम पहुँचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान दीजिए, आप बाहर खड़ी किसी भी बस में बैठ जाइए, आप अगले स्टेशन पहुँच जाएंगे, वहाँ से रेलगाड़ी आगे ले जाएगी। वाह, अब मैं वक्त से पहुँच जाऊँगा। शुक्रिया जी। ध्यान से चढ़िएगा। चलिए आइए, चढ़ जाइए। जीनी, तुम ठीक हो ना? मिस्टर हब, छोटी बसें मेरी यात्रियों को अगले स्टेशन पहुंचाकर मेरी मदद कर रही है। बहुत अच्छी बात है, और वहाँ टिटीपो उनका इंतजार कर रहा होगा। सच में टिटीपो? हाँ बिल्कुल, वो निकल पड़ा है, उसने कहा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। चलो चले। बढ़िया, शुक्र है सब ठीक हो गया। जरा सुनो लिफ्ट, माफ करना लेकिन मैं कब चल सकती हूँ? मुझे नहीं पता, मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो मुझे इसमें पूरी रात भी लग सकती है। पूरी रात? हाँ, मेरे पीछे भी रेलगाड़ियाँ फंसी हैं। कितना वक्त और लगेगा अभी? कहाँ फंस गए? लगता है अब मैं पुल नहीं देख पाऊंगी। जीनी, हम आ गए। हाय मैक्स। हे जीनी, हमने तुम्हें न्यूज़ पर देखा। जल्दी से अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास चले आए। बताओ हम तुम्हारी क्या मदद करें? कितने अच्छे हो तुम, लेकिन मेरी जगह अब टिटीपो काम कर रहा है। तो तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो जीनी? दरअसल आज मैं खिले हुए फूल देखना चाहती थी, लेकिन नहीं देख पाऊंगी। अगर नहीं गई तो इस बार नहीं देख पाऊंगी। चिंता नहीं, जब है हम तो क्या है गम। सब मिलकर करेंगे तो होगा सारा काम जल्दी खत्म। बस अब तुम देखो हमारा कमाल। ठीक है, शुरू करते हैं। बढ़िया। क्यों, क्या कहती हो जीनी? वाह, कमाल कर दिया सबने। तुम सबकी मदद से हमने पटरियां जल्दी साफ कर ली, शुक्रिया जीनी। काम पूरा हो गया। वाह, इतनी
नहीं चलती, सब ठीक रहा ना? बिल्कुल, सभी छोटी बसों ने लोगों को जल्दी स्टेशन पहुंचा दिया, तो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। सुनकर अच्छा लगा, सबने मिलकर मेरी मदद की। हमेशा करेंगे, पिछली बार तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल सकता। हम भी कभी नहीं भूलेंगे जीनी, जब भी तुम परेशान होगी हम तुम्हारे साथ हमेशा होंगे। देखो अंधेरा होने वाला है जीनी। जीनी जल्दी से फूलों को दिखाओ। ठीक है मैं भी जाती हूँ। क्या हुआ? मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये जगह तो पता भी नहीं थी। क्या नजारा है। सबके साथ देखने में ज्यादा मजा आता है ना? ठीक कहा। खुश होना उनकी मदद करके और उसके बाद तुम फूल भी देख पाई। मैं मानती हूँ दोस्तों के साथ ज्यादा मजा आता है। अब आगे से मेरी दोस्तों को जब भी जरूरत होगी मैं उनकी मदद करूँगी। कितना सुंदर है। जीनी का दिल भी उतना ही अच्छा है जितने ये खिले हुए फूल। जीनी ने बनाया एक नया दोस्त। छोटी रेलगाड़ियाँ हमेशा की तरह आज भी बहुत काम कर रही हैं। हम पहुँच गए। छोटा सा पापी कितना प्यारा है। अरे देखो कितना सुंदर पप्पी। ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा है। किसी का इंतजार कर रहा है? चलने का समय हो गया। बाय छोटे पप्पी। जीनी चूचू टाउन में वापस आ गई। मैं आ गई। हेलो जीनी। आज का दिन अच्छा रहा? हाँ, मैंने अपने रूट पर आज एक छोटे से पप्पी को देखा। पप्पी देखा तुमने? हाँ, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। शायद मालिक से बिछड़ गया हो। अगर उसे उसका मालिक नहीं मिला तो उसे एनिमल पाउंड में भेज देंगे। वो क्या होता है? वहाँ पर लावारिस जानवरों को शरण दी जाती है। ओ, बेचारा। अगला दिन शुरू हो गया और जीनी अपने काम पर जा रही है। हेलो मिस्टर हब। ओ जीनी, तुम्हारा सफर अच्छा रहे। शुक्रिया, बाद में मिलूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और जीनी कैसी हो? हेलो, गुड मॉर्निंग। बेचारी जीनी, कितनी धूल लग गई इस पर। माफी चाहती हूँ। दिन भर मेहनत करने के बाद जीनी चूचू टाउन आ रही है। हेलो, तुम अब तक यहीं हो? कोई यात्री नहीं है, मेरा काम खत्म हो गया इसलिए घर जा रही हूँ। आज का दिन सबसे ज्यादा खराब रहा। कुछ कहना है? मैं तुम्हारे पीछे आऊं? कहाँ जा रहा है ये? कभी नहीं आई। पप्पी, तुम मुझे यहाँ खुश करने के लिए लेकर आए? सुनो पप्पी, कहाँ चला गया ये? फूलों का ताज पहन लिया। पपी अंदर आ जाओ। आ जाओ वरना सर्दी लग जाएगी।
जीनी और पपी बहुत अच्छे दोस्त बन गए और हर रोज जीनी अपने नए दोस्त से मिलने के लिए कंट्री स्टेशन जाने लगी। हेलो छोटे पपी। ढूंढ लिया। टिटीपो टिटीपो। हाय दोस्तों। हेलो। कहाँ को चली? आज तो छुट्टी है तुम्हारी। हाँ जीनी, तुम हर रोज कहाँ जाती हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? देखना तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? मेरे पीछे आओ। ठीक है। वाह! अरे वाह! ये तो दुनिया का सबसे प्यारा पति है। कितना प्यारा है। है ना? मुझे पता था तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लगता है पपी मुझे पसंद करता है। अजीब बात है, मुझे गर्म क्यों लग रहा है? क्या किया ये? पपी को लगा तुम बाथरूम हो। क्या बाथरूम? काश हम पपी के साथ हर रोज खेल पाए। लेकिन दोस्तों, लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। जरूर कर रहा है, शायद अपने मालिक का कर रहा हो। ऐसा लगता है। पपी को अलविदा कहने के बाद तीनों दोस्त वापस शहर की ओर चल पड़े। हम आ गए मिस्टर हॉप। बढ़िया, इसको देखो और मुझे बताओ कि क्या तुमने इस पपी को देखा है? इसका मालिक इसे ढूंढ रहा है। इसी पपी को तो हमने देखा था, है ना? तुमने इस पपी को पहले देखा है? हाँ, इसी को देखा था। जीनी बताओ ना। आओ, नहीं गलत कह रहे हो, ये वो पपी नहीं है। ये वो नहीं है? मैं बाद में मिलती हूँ। जीनी, अजीब बात है। अगर पपी को मालिक मिल गया तो मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। जरा सुनिए, क्या आपने ये पपी कहीं पर देखा है? नहीं, सॉरी। क्या आप बता सकती हैं, आपने इस पपी को कहीं आसपास देखा है? जरूर इनका ही पपी होगा। अब मैं क्या करूं? अरे देखो, कितना सुंदर पपी। ये अकेला यहाँ क्या कर रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा है। पपी भी अपने मालिक को ढूंढ रहा था। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। क्या आपने मेरे पपी को देखा है सर? मैंने देखा है। मुझे पता है आपका पपी कहाँ है। अभी आपको वहाँ लेके जा सकती हूँ। सच? ले जाओगी? तुम्हारा शुक्रिया। सुनो पपी, बाहर आ जाओ। कहाँ चला गया? यहाँ तो मेरा कोंगी नहीं है। सच कह रही हूँ, यही था। सुनो पपी। पपी को ले गया? हाँ, उसने सोचा होगा वो हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काम मुझ पर छोड़ दो तुम। उसे मेरे दोस्त को वापस लाना होगा। जरा सुनिए। प्लीज जरा रुकिए। मुझे उम्मीद है टायो से वापस ले आएगा। काश ऐसा ही हो। जीनी, टायो, क्या कोंकी मिल गया? मैंने कहा था ना, मैं लेकर आऊंगा पपी। देखो। आ, 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 आ,
मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मिल ही गया। जीनी, टायो, तुम दोनों का शुक्रिया। कोई बात नहीं। मदद करके अच्छा लगा। एक नए दिन की शुरुआत हुई और छोटी रेलगाड़ियां काम पर जाने के लिए तैयार हैं। हाय जीनी, काम पर जा रही हो? बाद में मिलती हूँ। ये जीनी इतनी उदास क्यों है? कोंगी की वजह से, अब वो उसे नहीं मिल पाएगी। बेचारी जीनी। कोंगी तुमसे मिलने की जिद कर रहा था जीनी। क्या सच में? इसलिए हम टहलने के लिए हर रोज यहाँ आया करेंगे। मुझे लगा था मैं फिर से नहीं मिल पाऊंगी। जीनी अब भी कोंगी से रोज मिल पाएगी। कितनी अच्छी बात है ना? डीजल को जलन हुई। बहुत सुहानी सुबह है। डीजल और लोको काम के लिए जा रहे हैं। हाय मिस्टर हब। गुड मॉर्निंग। हेलो डीजल, लोको। एक मिनट रुको, तुम्हें एक साथ काम पर जाना है। जी। लोको को काम के बारे में पता नहीं, इसलिए डीजल तुम उसे समझा देना। जी जरूर समझाऊंगा। लोको मेरे साथ साथ चलना। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। जी बिल्कुल। शाम को मिलेंगे मिस्टर हब। गुड बाय। तो ये है हार्बर। क्रेनी के पास चलकर कंटेनर्स लोड करवाते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग क्रेनी। आओ, सही समय पर पहुंच गए। क्रेनी, आज कंटेनर्स धीरे धीरे लोड करना। धीरे? क्यों? लोकुन नया है, इसलिए उसे दिखाना कि काम कैसे होता है। ठीक है, मैं समझ गया। तो चलो अब शुरू करते हैं हम। लिफ्टिंग, लोडिंग, लोडिंग। लोको, ध्यान से देखो, हर कंटेनर के बाद थोड़ा आगे बढ़ो ताकि क्रेनी को अगला कंटेनर रखने में कोई दिक्कत ना हो। मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से। समझ गया। अब जब डीजल का हो गया, अब मेरी बारी है क्रेनी। ठीक कहा बच्चे। ये उठाया उठाया और ये रखा। अनलोड के बाद मुझे आगे बढ़ना चाहिए जैसा डीजल ने मुझे सिखाया है। अब यहाँ रुक जाना चाहिए। मैं अगले कंटेनर के लिए तैयार हूँ। ओहो, जल्दी सीख गए। तो लो, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा। लो, तैयार हो तुम? बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात कहूँ, पहले दिन तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा अच्छा किया है लोगों ने डीजल। कुछ भी बोलते रहते हो तुम। अब हमें चलना चाहिए। साथ चलो लोगो। बाय, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? लोको अच्छा है क्योंकि मैं उसे सिखा रहा हूँ। लोको और डीजल खदान में पहुंच गए। बस थोड़ा सा और आगे आ जाओ तुम। ठीक है। हाँ काफी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया लोको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नई ट्रेन तो बहुत समझदार लगती है। तुमने ठीक कहा। और इसका तो आज पहला दिन है काम पर। बहुत बढ़िया। मैंने इसे सब कुछ सिखाया। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि डीजल क्या चीज है। मैं भी लोडिंग के लिए तैयार हूँ। ठीक है। मैं इन्हें हैरान कर दूंगा। शायद अब मुझे चलना चाहिए। ये
वहाँ पर तो काम चल रहा है। रुक जाओ लोगो। अरे डीजल, अरे रुको डीजल। इसे क्या हो गया? रहा है लोगो, रुक जाओ लोगो। तुमने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का निशान नहीं देखा क्या? निशान? कैसा निशान? वो रहा। जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया डीजल। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ। डीजल, तुम इस तरह भाग नहीं सकते। सारी लाइन पर पत्थर गिर गए। मैं भूल गया। मैं माफी चाहता हूँ। तुमने नौसिखियों वाली गलती की है डीजल, जबकि लोगों ने अच्छे से लोड कराया। डीजल तुम थोड़ा ध्यान से काम करो। एक तो लोगों की मदद करो और ऊपर से इन सब की बातें भी सुनो। काम पूरा करने के बाद डीजल और लोगो वापस शहर की ओर चल पड़े। लेकिन डीजल का मूड तो कुछ खराब सा है। हम वापस आ गए मिस्टर हब। अच्छा काम किया दोनों ने। लोगो, काम का पहला दिन कैसा रहा? वो आज डीजल ने मुझे लोगो, मैंने आज तुम्हारे काम की बहुत तारीफें सुनी हैं। ज्यादातर रेल डर की वजह से गलतियाँ कर देती है। तुमने कमाल कर दिया लोगो। शुक्रिया। डीजल को ये देखकर बुरा लगा कि सिर्फ लोगो को ही शाबाशी मिली। किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि लोगो को अच्छा काम करना इस डीजल ने सिखाया है। जीनी, कोई जरूरी काम है। मिस्टर हब तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें पता है उन्हें क्या काम है? मुझे नहीं पता, बाकी सारी रेल वहाँ पहुँच चुकी है। जल्दी चलो। अच्छा, तो फिर चलते हैं। अरे तुम भी यहाँ पर हो? हाँ, सब लोग आ चुके हैं, शुरू करते हैं। आज के बाद से माल ढुलाई का काम डीजल नहीं लोगो करेगा, वो अच्छा करता है। लोगो चूचू टाउन की सबसे अच्छी मालगाड़ी है। तो फिर मैं कौन सा काम करूंगा अब? तुम लोगो के सहायक बन सकते हो। क्या, मैं इसका सहायक बनूं? ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मैं नहीं बन सकता। शुक्र है ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो क्या आइडिया आया है मुझे। चिचीपो, चिचीपो। अगली सुबह हो चुकी है। डीजल कुछ ज्यादा ही माल बोगियां ले जा रहा है। आज मेरी ताकत देखकर सब तारीफ करेंगे। डीजल तो कमाल का है। लोगों से तो काफी बेहतर है डीजल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीजल। अरे आज इतनी माल बोगी क्यों ले आए हो? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल सकता हूँ। तुम्हें पक्का विश्वास है डीजल? मुझे तो ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ठीक है, लोडिंग हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डीजल, तुम्हें लगता है कि तुम ये खींच पाओगे? कोई शक नहीं है डीजल। हाय लोगो। तुम्हारा स्वागत है लोगो। गुड मॉर्निंग सर। वाओ डीजल, तुम्हारे पास तो बहुत सामान है। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ। मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? जोर लगाऊं? पहले ही कहा था, तुम कुछ ज्यादा ही लोड ले जा रहे हो। अब हम क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। हाँ बोलो। क्यों ना डीजल और मैं सामान को बराबर बराबर बांट लें? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। ये सामान हार्बर लेकर जाना है ना? हाँ ठीक है। तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है, खुद ही रास्ता ढूंढ लेना तुम। बाय। और डीजल।
हेलो। ओ, लोको कहाँ है? तुम नहीं उसी को पूछोगी जीनी? हाँ। जानता हूँ कि तुम उसकी तारीफ करना चाहती हो, जबकि मैंने उसे सब कुछ सिखाया है और तारीफें उसको मिल रही हैं। ये ठीक बात नहीं है। क्या कह रहे हो? सब तुम्हारी भी तारीफ कर रहे हैं। ओ, जीनी टिटिपो, आ गए तुम लोग। मिस्टर हब, क्या लोको ठीक काम कर रहा है? उसे परेशानी हो रही होगी। वो अच्छा काम कर रहा है। मुझे चिंता थी, लेकिन डीजल की वजह से वो ठीक से सीख रहा है। ठीक कहा आपने, सब कह रहे हैं डीजल एक बहुत अच्छा टीचर है। वाह, डीजल कमाल का है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, लोको ने भी कहा उसने सब कुछ तुमसे सीखा है। लोको ने कहा? तो तुम्हें पता है वो इस समय कहाँ पर है? वो हार्बर गया था। वापस आते हुए मैंने देखा था बंदरगाह के ट्रैक पर काम चल रहा था। वो ठीक तो होगा ना? काम चल रहा था? मैं जल्दी मिलता हूँ तुमसे। परेशान होकर डीजल लोको को ढूंढने निकल पड़ा। लोको को अभी रास्तों का पता भी नहीं है। अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया तो? ऐसा नहीं होना चाहिए। डीजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोको, तुम ठीक तो हो ना? क्या? हार्बर जाने वाली लाइन पर काम चल रहा है। तुम अकेले गए तो मैं डर गया। हाँ, चिंता मत करो, तुमने सब अच्छे से सिखाया था। क्या मैंने सिखाया? क्या तुम्हें याद नहीं है डीजल? जब भी काम करो हमेशा आसपास नजर रखो। जब मैं हार्बर जा रहा था मैंने वही निशान देखा तो मैं दूसरे रास्ते चला गया। हाँ सही कहा, मैंने ही तो कहा था। हाँ। लोको, तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया डीजल। कहा था ना, मेरे साथ रहोगे तो सब सीख जाओगे। ये सच है, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, एक शानदार और मजबूत माल गाड़ी। लोको, अगर जमकर मेहनत करोगे तो जल्दी ही मेरे जैसे बन जाओगे। वाह, पक्की बात? पक्की बात। डीजल की वजह से लोको ने पहले ही दिन अच्छा काम किया। शाबाश डीजल।